नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् त्रिभुवन व्यापकम् ब्रह्मभेद स्वरूपम्। निराकार मोंकार मूलम् तुरीयम् निराज्ञान गोतीतमीशम् गिरीशम्। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शिवालयों में शिव भक्तों ने पहुंचकर भोले शंकर का पूजन किया। डाट की पुलिया स्थित श्री मारुति नंदन मंदिर में शिव भक्तों ने पूजन किया। रेलवे कॉलोनी स्थित सेलाना यार्ड में स्थित शिवालय में शिव भक्ति के तराने सुबह से गूंजने लगे थे। तड़के सुबह से दोपहर तक यहां महिलाओं ने शिवलिंग का जल अभिषेक किया। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन में सभी निजी शिक्षण संस्था बंद है, लेकिन इसके बावजूद ये निजी स्कूल पालकों पर फीस वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं। यह गलत है। फीस का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यह मांग शहर कांग्रेस द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे एक ज्ञापन में की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के मार्गदर्शन में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण आम जनता के व्यापार व्यवसाय लगभग चौपट हो चुका है। नए सत्र में विद्यालय भी शुरू नहीं हुए, लेकिन इसके बाद भी निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस की वसूली हेतु सूचना दी जा रही है, जबकि फीस संबंधी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ज्ञापन में मांग की गई कि इस समयावधि में फीस वसूली नहीं की जाए, मिडिल स्कूल की कक्षाएं शुरू नहीं की जाए और परीक्षा भी नहीं ली जाए, छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से मुक्त रखा जाए। बच्चों की आंखों पर असर पड़ रहा है। ज्ञापन के समय शहर कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। वर्तमान में मार्च माह से कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है और अभी लॉकडाउन खुला है। लोगों के व्यापार व्यवसाय लगभग चौपट है। आप छोटा तबका जो है बिल्कुल व्यापार व्यवसाय से सब तरह से पीटा हुआ है और आप समझिए धीरे धीरे गाड़ी उनका जीवन चर्या धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। बच्चों के अभी स्कूल के सेशन चालू नहीं हुए हैं, स्कूल के सत्र स्टार्ट नहीं हुए हैं, कोरोना के कारण कहीं भी स्कूल चालू नहीं। उसके बावजूद भी कुछ निजी शिक्षण संस्थाओं ने लगातार जो है अभिभावकों पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप फीस जमा कीजिए, स्कूल फीस पूरे साल की एक साथ जमा करिए। ऐसी स्थिति में जब लोगों के पास काम काज नहीं, रोजी रोजगार नहीं, तो कांग्रेस के माध्यम से हम आज ये ज्ञापन देना आए थे कि आप सभी निजी शिक्षण संस्थाओं को निर्देश दें कि किसी भी प्रकार का जो फीस वसूली है उसमें कोई सख्ती न करें। और जब तक चूंकि मामला भी कोर्ट में विचार नहीं है ट्यूशन फीस का, तो जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाए तब तक के लिए लंबित की जाए। दूसरा, हमने ये मांग और करी कि अभी छोटी क्लासेस प्राइमरी क्लासेस में भी कुछ स्कूल संस्थाओं में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अब आप समझिए कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो उस परिवार की एक ज़रूरत स्मार्टफोन की भी हो गई है, आप उसको स्मार्टफोन भी खरीदना है। ऐसी स्थिति में हमने यह जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को निवेदन किया है कि कम से कम शासन का निर्देश है कि प्राथमिक तक किसी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाई जाए, क्योंकि इससे बच्चों की आंखों पे भी इफेक्ट आ रहा है। हमने ये मांग करी कि तत्काल ऑनलाइन क्लासेस 5वीं तक की तत्काल बंद की जाए। और अभी जो आगे सत्र कर कहीं मान लो शुरुआत होती है स्कूल की, तो उसकी सुरक्षा और कोरोना को देखते हुए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए, नहीं तो ऐसी स्थिति में अभिभावक कोई भी स्कूल भेजने की स्थिति में नहीं रहेगा। सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र के इस ब्रिज के निर्माण की जद में आ रहे भवन मालिकों को मुआवजा राशि सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई। भवन मालिकों को मुआवजा राशि दिए जाने की मांग को लेकर
आज रतलाम शहर कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टोरेट में तहसीलदार को दिया। ज्ञापन में कहा गया कि सुभाष नगर ओवरब्रिज रेलवे और राज्य सरकार द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। रेलवे विभाग ने अपने हिस्से का काम शुरू कर दिया। इस ओवरब्रिज के निर्माण के दौरान क्षेत्र के 108 मकान टूटेंगे। इन मकानों के मालिकों को मुआवजा देने के लिए 12 करोड़ 70 लाख की राशि मंजूर की जा चुकी है, लेकिन यह राशि अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं वितरित की गई, जबकि रेलवे द्वारा अपने हिस्से का काम एक दो माह में पूर्ण कर लिया जाएगा और राज्य सेतु निगम द्वारा अपना निर्माण भी शुरू कर देगा। मुआवजा राशि नहीं मिलने से ये सभी मकान मालिक अपना मकान अनियंत्रित नहीं बना पा रहे हैं, जबकि अब बारिश का मौसम भी आ गया, ऐसे में तत्काल मुआवजा राशि दी जाए, वार्ड में जल्दी से जल्दी पैसा वितरित किया जाए। क्या समस्या जी? समस्या यही है कि बहुत ज़्यादा समस्या ये है कि जिनके मकान चले जाएंगे, वो मकान जाएंगे तो फिर वो करेंगे क्या? अपनी व्यवस्था तो कर लेंगे ना, और मुआवजा मिल जाएगा तो व्यवस्था कर लेंगे। बिजली है, लाइन है, पानी है, सभी की व्यवस्था करनी पड़ेगी उनको, ये कारण है। कोरोना वायरस का प्रकोप शहर से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तक तेजी से फैल रहा है। एक तरफ मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ मरीज स्वस्थ होकर घर भी पहुंच रहे हैं। सोमवार को 6 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर मेडिकल कॉलेज से घर पहुंचे। मरीजों का अभिनंदन करने के लिए डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित सहित कॉलेज स्टाफ पहुँचा था। मरीजों का तालियां बजाकर स्वागत किया गया। डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले ने बताया, कोरोना रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और प्रशासन की तरफ से और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सावधानी तो मेन तो यही है कि बिना मास्क के आप बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, मेन एहतियात तो यही है। उसके अलावा वही है कि कहीं किसी चीज़ को छुए तो सैनिटाइज कर ले अपने हाथों को, और प्रशासन के द्वारा निरंतर अपील की जा रही है, लोगों से फ़ाइन भी किए जा रहे हैं, स्पोर्ट फाइन भी किए जा रहे हैं, जिससे कि लोग मास्क लगाएं और मास्क लगाना उनकी आदत में आ जाए। अभी कितने मरीज हैं? आज 6 पॉजिटिव्स की स्वस्थ होकर वो लोग घर जा रहे हैं और 38 मरीज अभी हैं यहाँ पर। पावर हाउस रोड से दो बत्ती की तरफ जा रहे रास्ते पर टू लेन निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण के समय हुई खुदाई से निगम की पाइपलाइन फूट गई है, वहीं टेलीफोन की लाइनें भी टूट गई है, जिससे क्षेत्र के कई फोन शोपीस बने हुए हैं। निर्माण के कारण इस क्षेत्र की आवाजाही ध्वस्त है। डीआरएम कार्यालय के सामने बिल्डिंग मटेरियल लेकर जा रहा एक ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया गड्ढे में फंस गया। हादसा होते ही चालक वाहन बीच सड़क पर ही छोड़कर चला गया, जिससे दो पहिया वाहन चालक परेशान रहे। बताया जाता है कि इस ट्रैक्टर ने क्षेत्र के नल कनेक्शन तोड़ दिए। क्षेत्रीय दुकानदार ने एएन टाइम्स को बताया, मैं कल रात में सीवरेज लाइन के लिए काम चल रहा था यहाँ पर, तो उसमें रात में 11-12 बजे इन्होंने हमारे पानी की लाइन भी फोड़ डाली, नल का टीप और अभी एक घंटे से ये ट्रैक्टर फंसा हुआ है, जिसमें हमें जाम की समस्या दो बार हो चुकी है, दो रिक्शे वाले भी जाम से फंस चुके हैं यहाँ पर, काफ़ी परेशानी हो रही है, आवागमन में समस्या हो रही है। और अभी तक दो बार हमने सीवरेज वाले इंजीनियर से बात करी, वो बोले कि हम पाइपलाइन सही करवा देंगे, अभी तक कोई आया नहीं है, किसी ने देखा नहीं अभी तक इधर। ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले कहाँ गया? अब ये किसी इसके अभी तो हमको ध्यान भी नहीं इसका, तो वो अभी तक छोड़ के चले गया है। सीबीएसई हायर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम आज घोषित हुआ। रतलाम की छात्राओं ने परिणाम में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। पैसिफिक ट्यूटोरियल के 17 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर संस्था और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। संस्था के केंद्रीय स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा तनिष्का मीणा ने सबसे ज्यादा 96% अंक प्राप्त किए। छात्रा ने अपनी सफलता के लिए स्कूल एवं संस्था के टीचर्स सहित माता पिता को सफलता के लिए श्रेय दिया है। तनिष्का ने बताया कि थैंक्स टू प्रशांत सर, अल्पना मैम, ब्रेन सर हू ऑलवेज गाइड मी एंड सपोर्ट मी, एंड माई स्कूल टीचर्स हु ऑल्सो सपोर्ट्स मी। मैंने मतलब कभी नहीं सोचा था कि मेरे इतने आएंगे, वो भी 12th में। वो सब इसी कारण आए क्योंकि ना मैं प्रशांत सर की कोचिंग आई, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे टाइप के टीचर्स और सारे टाइप के सब्जेक्ट्स के टीचर मिले। मेरा आईपी था,
मैंने पहले सोचा था मैं मैथ्स लूँ, लेकिन जब मैंने प्रशांत सर से पूछा तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप आईपी लो, और मैंने लिटरली मैंने देखा कि मैंने आईपी में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपन टेक्निकल सब्जेक्ट लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आईपी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और स्कूल के टीचर्स को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। और जहाँ तक पढ़ने का सवाल है तो मैं सिर्फ 3 बजे कोचिंग आती थी और कोचिंग से 8:30 बजे घर जाती थी, मतलब एक तरीके से देखा जाए ना तो मेरा कोचिंग जो है ना वो आधा स्कूल हुआ करता था। पैसिफिक ट्यूटोरियल के संचालक ने बताया कि सर अभी तक एक्चुअल में लिंक ओपन न होने के कारण हम लोगों के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं आया है, लेकिन मान के चलिए कि 15 से 17 बच्चे हमारे 90 प्लस में हैं, जिसमें तनीषा मीना केंद्रीय विद्यालय की सबसे फर्स्ट रैंकर रही है, उसके साथ साथ नेहल पोरवाल 95% के साथ साथ सेकंड रैंक पे रही है, ये श्री नाहर कॉन्वेंट स्कूल की टॉपर है, और तनीषा मीना केंद्रीय विद्यालय की टॉपर है। और भी बाकी स्कूलों के रुझान अभी हमारे पास आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने इस बार पैसिफिक ट्यूटोरियल्स का नाम एक शिखर तक ले गए हैं, और हमारे टीचर्स हमारे स्टाफ की मेहनत से हमारे बच्चों की मेहनत से हम लोगों ने रतलाम में वापस से परचम कायम किया है। 2015 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर प्रथमेश शर्मा हमने दिया था रतलाम में, 2017 में एक मुस्कान जैन आई थी लड़की, उसका हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, उसके साथ साथ इस साल हमारा 17 बच्चे 90+% के साथ साथ उच्च श्रेणी में आए हैं।